वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज नैना निगोर। सो चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अभी ये फाइनल वीडियो होने वाला है, महाबलेश्वर लॉक का द एंड होने वाला है। तो हमने मार्केट सबसे लेट लिया बिकॉज शॉपिंग मार्केट था। और फिलहाल अपडेट यही है कि अपन मार्केट में जाके देखेंगे, कुछ अच्छा लगा तो बाय कर लेंगे, अगर नहीं लगा तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड मेरे पास सब कुछ चीज़ें हैं और शाम के 5:30 बज गए हैं। कुछ भी नहीं लिया गाइस, सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, माँ है, मेरे पास तो माँ भी है, पैसा भी है, सब कुछ है भगवान की दया से। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कई फायदे। अब आए हैं तो कुछ तो लेना ही चाहिए, तो मैंने कैप ले लिया, मुझे बहुत पसंद आया, जो मेरी बहन को भी पसंद आया था। बट मुझे पता नहीं, मेरी नज़र पहली गई तो मैंने उठाया, बट वो भी हैप्पी हो गई। बट कॉस्टली था, 350 का, ऐसे कुछ है नहीं उसमें। मला वाटतंय एंड वो झालाय आणि आता बस करा, ब्रो झाले, बोर झाले। गाइस तो ये है मैप्रो गार्डन, इधर आई बारिश स्टार्ट हो गया यार, जो कि मैं नहीं चाहती थी आज बारिश बढ़े फॉर सम रीज़न। मैं नहीं चाहती थी कि बारिश भी हो। एंड मैं इसकी एक खासियत बताना चाहती हूँ, अगर आप मैप्रो गार्डन में गए ना, बहुत सारी चीज़ें अपने आपको खाने को मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज देते हैं, फिर उनको मतलब वो स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके कारण है ना, उनको पहले से पता रहता है कि इसका टेस्ट ये है और मुझे पसंद आएगा। सो कस्टमर वही चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी वो बाहर ना वैसी चीज़ें रखते हैं जो इजीली कस्टमर बाय कर सकता है। अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक्सपायरी तो बहुत, मतलब जैसे अभी प्रोडक्ट हो गया और उन्होंने अभी मार्केट में लाए, वो वाला सीन है। और बहुत ज़्यादा फ्रेश के कारण ना लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, सो इट विल बी रियली गुड फॉर एवरीथिंग। और क्या होता है ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि सब फ्रूट्स के ही रिलेटेड रहता है ना, फ्रूट से ही किया रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये मैप्रो गार्डन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब ऐसे होगा ही नहीं कि आप महाबलेश्वर में गए और मैप्रो गार्डन में गए नहीं, अभी तक मैंने किसी का ऐसे सुना ही नहीं। दीदी छान दिसता है। आणि ही हाप असेल। तुम्ही मला सांगा आता, आम्हाला कसं आमच्याशी भेटून तुम्हाला कसं वाटलं?
ठीक चांगले वाटले. नेक्स्ट टाइम आले आम्हाला डिस्काउंट देणार का? ओके ओके जरूर देऊ तुम्हाला. नाही डिस्काउंट देणार का ते सांगा, म्हणजे मी तुम्हाला हा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार. चालेल चालेल, देऊ डिस्काउंट पण तुम्हाला. तुम्हाला तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करते, जर कुणाला आवडला तर मग ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करणार ते. तर आणि खूप आम्ही खूप चिडचिड करतो का? नाही नाही, तिघी पण चांगलं आहे ना. चालते काका, काळजी. कितना स्विमिंग करना चाहते हो आप? कितना चाहते हो? अरे भाई पानी इतना ठंडा है, पता नहीं अभी दो मिनट भी रुकूंगी कि नहीं. मुझे लग रहा है पहले पेड़ डालते फिर हलवा हलवा जाते. चल ना आता उद्या आहे का, उद्या सका सका घालणार का पाय एवढ्या थंडीमध्ये? मग कर थंडी वाजून उद्या सकाळची पे केले तू? येस अरे चल. मजाक है क्या? फिलहाल मुझे एंड में यही बोलना है गाइस कि बहुत अच्छा दिन था, रात के 9 बज गए हैं, तो अभी लॉग का द एंड करने का टाइम आ गया है. तो मेरे लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लॉग में. जय हिंद. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? काय खाल्ले? पापड़. खा के मन चला होते, काय करती तू?